दा सौदा की टीम हाईलाइट करी थी, उसका एक रैपअप है, सिर्फ वॉच करिए आज। खैर किसी ना किसी रीजन के चलते वो बता देता हूँ क्विकली। TCS एक फ्राइडे को AI रिलेटेड PC करना चाहता है, तो LTI माइंडट्री सैप के साथ अपनी पार्टनरशिप डीपन कर रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट को रेटिंग अपग्रेड मिलता है क्रिसिल से, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का प्रमोटर कल खुले बाजार में खरीदने आता है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स। IIFL फाइनेंस कहता है RBI का ऑडिट कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि क्लीन चिट मिल गई, ये भी ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स वो जो डीमर्जर की प्रक्रिया है उसमें एक स्टेप आगे बढ़े, एक होली ओन सब्सिडी का गठन कर लिया। MCX में कल एक लार्ज ट्रेड में फंड ने पैसा झोंका है, WF एशियन रिकॉनिसेंस, और NCC में एक फंड ने माल छोड़ा है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। रोटो और IQ इसीलिए क्योंकि दोनों के प्लांट कमेंसमेंट का अपडेट कल आया, कल से दोनों के नए नए प्लांट शुरू हुए, तो ग्रीन कर दिया भाई। ओके, फटाफट जो 10 स्टॉक है उसमें हिंडालको नंबर 1 पे है, हालांकि मैंने तो लिया था कॉपर प्राइस गिरने पे, लेकिन अब वो खबर आ गई कि IPO भी चल रहा है इनका, और नेल्को भी इसीलिए क्योंकि प्राइसेस बेस मेटल के गिरे हैं नीचे। बजाज ऑटो, रूरल प्ले, ब्रिटानिया, नेस्ले, सब डिफेंसिव प्ले में यहाँ रख सकते हैं। HCL को भाई ग्रीन में रखिए, क्यों रखा है इसको, रेड में रखिए HCL को, ओवर वैल्यूड है तो फिर रेड में होगा HCL। RCF को एक नोटिस मिली 250 करोड़ की, इन्होंने जो एक्स्ट्रा सब्सिडी हासिल कर ली है। ONGC पे बहुत सारे ब्रोकरेज कह रहे हैं कि अगर PSU में आपको कोई अच्छा लगता है तो ONGC CLSA का ऐसा मानना है। डिवीज लैब भी एक डिफेंसिव प्ले है, मूव हो सकता है, और SBI मुझे लगता है अभी वो दबाव बनेगा क्योंकि स्टॉक में बहुत बड़ा एक रनअप आया था, तो शायद अभी भी प्रेशर में रह सकता है।